मुझे आप लोगों को इनका डे ऑफर बताना है, जैसे यू नो इफ यू वांट टू सरप्राइज योर लव्ड वंस, योर पार्टनर्स, यू आर गेटिंग मैरिड, आप प्रपोज करना वाले हो या फिर एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी आप लोगों को सेलिब्रेट करना है। एंड मैंने यहाँ पर बुक किया है स्वीट जिसका नाम है प्रिंसेस स्वीट। हैरान हो जाओगे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे इतना बेस्ट प्राइस ऑफर मिला है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो थंबनेल से तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इस व्लॉग में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। तो यस, आज मैं आई हूँ होटल पार्ले इंटरनेशनल, जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है एंड थोड़े ही दूर पे मार्केट भी। अगर आपको यू नो ये सारी चीज़ें नज़दीक चाहिए एंड अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए विद अ कम्फर्टेबल स्टे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड पूरा वीडियो देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये होटल की जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है, मोर देन 100 रूम्स है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम है। एंड मैंने यहाँ पर बुक किया है स्वीट जिसका नाम है प्रिंसेस स्वीट। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करूँगी ना, आप लोग हैरान हो जाओगे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे इतना बेस्ट प्राइस ऑफर मिला है यहाँ पर। एंड चलिए मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ। एंड उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड। इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। पूरी प्रॉपर्टी टूर दूंगी लेकिन उसके पहले अपना रूम टूर दे देती हूँ। चलिए, तो जैसे आप अंदर आएंगे यहाँ पर आपको बैठने के लिए सोफा वगैरह मिल जाएगा। एंड ये सेटअप काफ़ी अच्छा, यू नो ग्रीन बाय ग्रीन का कॉम्बिनेशन जैसे बोलेंगे, कर्टन्स ग्रीन, सोफा ग्रीन। एंड यहाँ पर भी आप आओगे तो यहाँ पर भी एक सोफा मिल जाएगा आप लोगों को। टेबल वगैरह, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह करना है, पानी की बॉटल वगैरह दी हुई है। एंड आपके कुछ गेस्ट आ रहे हैं अगर आपको मिलने के लिए, तो यहाँ पर ये पार्टीशन भी है, आराम से ये आप यूज़ कर सकते हो। उस साइड में भी है बट ये आपके रेफरेंस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो। देन जैसे ही आप अंदर आओगे, जैसे अंदर आने के बाद एक आप ऐसा लुक देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है एंड बहुत ही एलिगेंट एंड प्रीमियम वाइफ, मतलब मुझे तो मिल रही है, आप लोग मुझे बताना। फिर आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। दिस इज़ डबल साइज बेड, आराम से चिल करिए, रिलैक्स करिए। देन अंदर और आओगे तो यहाँ पर आपको टीवी मिल जाएगा, टीवी देखना है तो देख सकते हैं ऑफकोर्स। देन यहाँ पर दे हैव अ मिनी रेफ्रिजरेटर, अगर आपको यू नो कुछ चिल करने के लिए रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। वार्डरोब है, सामान है तो रख सकते हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट सामान है तो सेफ भी दिया हुआ है, आप लॉक कर सकते हो आराम से। देन इस साइड में दे हैव देयर टी, कॉफ़ी, कटलरी है, पानी की बॉटल्स तो और भी है, मतलब एंड मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस यू कैन यूज़। एंड अगर आप काम करना चाहते हो तो काम भी कर सकते हो बैठ के। एंड दिस इज़ माई यू नो मेरा फेवरेट सेक्शन बोल सकते हो, यहाँ पर बैठ के आप अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड आराम से चिट चैट कर सकते हो जिसके भी साथ आप आ रहे हैं। देन इस बाजू आएंगे तो वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर एक अच्छा सा मिरर है, अपने आप को आप फुल्ली देख सकते हो, ड्रेस्ड अप होके आराम से देख सकते हैं। एंड अंदर जाएंगे तो वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी नीट क्लीन एंड वॉशरूम में जो भी टॉयलेटरीज वगैरह अवेलेबल होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, एकदम साफ सुथरा, यू नो स्पेशियस एंड कॉम्पैक्ट दोनों ही बोल सकती हूँ। जो हमें एकदम ज़रूरत है वो सब कुछ वॉशरूम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रायर भी है, मतलब इनकेस अगर आपने नोटिस नहीं किया तो। ये काफ़ी यू नो कम जगहों पर मैंने देखा है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर किए तो यहाँ पर भी है। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस स्वीट रूम का जो प्राइस है ना, आप सुनोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी, तो मेरा व्लॉग एंड तक देखना। मैं अभी नहीं बताऊंगी यार, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। बट उसके पहले अभी मेरा लंच का टाइम हो गया, जैसे मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ खाना मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए, तो पहले लंच के लिए जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे रूम कैटेगरीज है एंड मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, तो मैं आपको मोस्टली सारे रूम्स दिखाऊंगी जो भी अवेलेबल होगा। तो चलिए पहले लंच चलते हैं एंड फिर बाकी की बातें वहाँ पर करते हैं। एंड हम लोग हमारे लंच के लिए आ चुके हैं प्रॉपर। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी एलिगेंट एंड काफ़ी स्पेशियस है, मतलब आप अंदर आओगे तो आपको अच्छी वाइब्स मिलेगी। प्लस यहाँ पर आला काटे ऑप्शन भी है एंड बूफे ऑप्शन भी, अगर आपको बूफे लेना है तो बूफे ले सकते हो। तो हम लोग ने बूफे लिया है एंड बूफे में यहाँ पर आप देख सकते हो दाल फ्राई है, जल फ्राजी है एंड पनीर बटर मसाला, गुलाब जामुन, सैलड, ये भी सीजर सैलड है, रोटी एंड राइस है। एंड नॉन वेज में भी एक डिश है इनका,
मैंने सिर्फ, ऑफकोर्स हम लोग वेज ही लेते तो वेज है। अब आपको एकदम शॉर्टली मैं आपको दोनों सब्जियां बता देती हूँ कि कैसा है इसका। एकदम डिटेल फूड रिव्यू नहीं देना, बस ऐसा है कि आप यहाँ पे आओगे तो फूड एंजॉय कर सकते हो। मुझे अच्छा लग रहा है, वेज अल्फ्राजी के अंदर वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है वो एकदम अच्छे से आ रहा है। अभी ये पनीर बटर मसाला, मुझे लगता है पनीर बटर मसाला थोड़ा सा स्वीट साइड पर होता है। एकदम स्लाइटिश स्वीट है बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एकदम डिटेल रिव्यू नहीं, बट अगर इसके अलावा हमने कुछ ऑर्डर किया अलग से लिया तो वो भी बताऊंगी। अभी फटाफट से पहले लंच कंप्लीट करती हूँ एंड फिर आपको पूरी होटल का प्रॉपर्टी टूर करूँगी। तो मेरा लंच हो गया एंड लंच वाज क्वाइट ब्लिसफुल, काफ़ी अच्छा खाना था। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप आला काटे भी ले सकते हो एंड बुफे चाहिए तो बुफे भी ले सकते हो। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने स्वीट रूम बुक किया एंड यहाँ पर बहुत सारे रूम कैटेगरीज हैं एंड वन ऑफ इट इज़ यू नो प्रीमियम रूम कैटेगरी, मैं ऐसे बता सकती हूँ। एंड ये रूम से ज़्यादा मुझे आप लोगों को इनका डे ऑफर बताना है। जैसे यू नो इफ यू वॉन्ट टू सरप्राइज योर लव्ड वंस, योर पार्टनर्स, यू आर गेटिंग मैरिड, आप प्रपोज करना वाले हो या फिर एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी आप लोगों को सेलिब्रेट करना है। आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, यू नो नज़दीक में आपके पास टाइम नहीं है कुछ डेकोरेशन करने का एंड एवरीथिंग, 2, 3, 4, 5 घंटे के लिए मतलब आपको सिर्फ रूम चाहिए वेर यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम विथ योर पार्टनर एंड सरप्राइज हिम और हर। वैसे तो ये रूम लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का डेकोरेशन, यू नो काफ़ी एलिगेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैं तो मैरिड हूँ, वरना मैं शायद विकी को कभी ना कभी बोलती कि यार मुझे भी ऐसा सरप्राइज चाहिए, पास में मुझे मिले, बट ठीक है। अभी जो भी न्यूली मतलब आप लोग प्लान करो वैसा आप लोगों को कुछ करना है तो ये रूम आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ आप लोगों को, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन दोनों स्टेशन से ही नज़दीक है। पार्ले इंटरनेशनल होटल अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहो तो आ सकते हो। प्लस टाइमिंग इसका कुछ 10 to 7 है। ऑफकोर्स आप कंसिडर मतलब रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आई थिंक हो ही जाएगा। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इट इज़ 4,500 ऑल इंक्लूसिव, इसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं है। बट अगर आप फूड ऑर्डर करते हो उसका चार्जेस अलग से लगेगा, लेकिन फूड पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वॉट एवर यू ऑर्डर उसके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा रूम, मतलब काफ़ी वाइब्रेंट, वाइब्रेंट नहीं बोल सकती मैं, एलिगेंट एंड प्रीमियम वाइब्स मिलेगी आपको यहाँ पर। एंड मोस्टली ये सेलिब्रेशन वगैरह के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा यू नो आपको पूरा दिन नहीं चाहिए, रात भी नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा वो मोमेंट बिल्ड करना है, टाइम स्पेंड करना है, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस विच यू कैन कम एंड सेलिब्रेट। बाकी सब तो मैंने आप लोगों को मोस्टली इस रूम के बारे में बता दिया। कुछ आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड रूम कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। आफ्टरनून में हम लोग ने लंच के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, मस्त नींद आई अच्छे से। एंड अभी मैं जिम में खड़ी हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो फिटनेस फ्रीक हो तो आपका वर्कआउट मिस नहीं होगा। आप लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको आना है वर्कआउट कर सकते हो। एंड जो बेसिक चीज़ें जिम में 2, 3 दिन, 4 दिन के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतना है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विग्स बार भी है जहाँ पर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, मतलब स्टार्टर्स पे भी ऑफर है, ड्रिंक्स पे भी ऑफर है। एंड इट इज़ मतलब चिल प्लेस, अगर आप लोगों को ड्रिंक्स वगैरह करना है फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में आ रहे हो तो आप लोग वहाँ पर बैठकर चिल भी कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ इतना ही, चलिए बाहर चलते हैं। इसके अलावा कुछ और होता है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने आप लोगों को जिम दिखा दिया, बार दिखा दिया एंड मैं मुझे दिखाना है बैंक्वेट हॉल। एंड दिस बैंक्वेट हॉल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 100 से 150 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऑफकोर्स सीटिंग अरेंजमेंट में डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को कुछ पार्टी या फिर कुछ भी, अगर फॉर एनी रीजन आपको बैंक्वेट हॉल चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड यहाँ का भी सेटअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइब्रेंट है एंड आपको वो फील मिलेगा जो ऐसे बैंक्वेट हॉल में जो फील मिलती है वैसे आपको अच्छा खासा फील मिलेगा यहाँ पर। तो इफ़ यू वांट टू बुक आप डायरेक्टली बात कर बुक कर सकते हो। एंड अभी इसके बाद मुझे आप लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम दिखाना है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रूम है, ऐसे ही बैंक्वेट हॉल भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको एक दिखाया है। तो इफ़ यू वांट टू बुक तो आप लोग आकर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किधर बैठना है। ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम भी बहुत सारे तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ।
यहाँ पर भी मतलब दिस इज वन ऑफ देयर कॉन्फ्रेंस रूम, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज में दो तीन प्रॉपर्टीज है इनके आजू बाजू, तो वहां पर भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस रूम है, तो दिस इज वन ऑफ इट। अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए आ रहे हो एंड ऑफिशियल पर्पज के लिए आपको कुछ कॉन्फ्रेंस रूम बुक करना है, तो आप लोग यहाँ पर बैठकर आपका ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा डिनर का टाइम हो गया, हम लोग डायरेक्टली जाएंगे डिनर के लिए। एंड डिनर में फिर क्या क्या खाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी हम लोग डिनर के लिए आ गए एंड डिनर के लिए करी एंड पास्ता रेस्टोरेंट में बैठे हैं। एंड यहाँ पर भी जैसे आफ्टरनून में लंच में बुफे था, वैसे इवनिंग में डिनर में भी बुफे है। बुफे में भी बहुत सारी आइटम्स है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि आफ्टरनून में बुफे लिया था तो अभी इस बार आला काटे ट्राई करते हैं। एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड मतलब कॉम्पैक्ट में भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो सीटिंग अरेंजमेंट इज़ नाइस एंड एम्बियंस इज़ ऑल्सो गुड। मतलब आप बैठ के अपना ब्लिसफुल डिनर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एंड मेन्यू की बात करेंगे, जैसे मैंने नाम बताया करी एंड पास्ता, तो इनका मेन्यू भी काफ़ी एक्सटेंसिव है। आप देखोगे हम लोग ने क्या क्या डिशेज ऑर्डर किए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बताऊंगी सॉरी। वेज एंड नॉन वेज दोनों ही आइटम्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बुफे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो जैसे ही अभी मेरा ये आला काटे वाला ऑप्शन आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लस स्विग्स बार का जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसका भी मेन्यू है, अगर आप लोगों को यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी जैसे ही मेरा डिनर आता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। डिनर आ चुका है एंड डिनर का प्रेजेंटेशन इज जस्ट ऑसम, 10/10 आई कैन गिव। एंड अभी मैंने क्या क्या ऑर्डर किया वो बता देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज कुंग पाओ पटेटो, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। दिस इज़ वेज कढ़ाई, क्यूनो सैलड, दाल एग्जॉटिक वेज खिचड़ी है, मतलब दाल खिचड़ी है। दिस इज़ नान एंड हम लोग ने लच्छा पराठा भी ऑर्डर किया। तो मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू एंड मॉकटेल्स में ऑफकोर्स ये वर्जिन मोहितो एंड दिस इज ब्लू लगून, लच्छा पराठा के साथ मैं सब्जी खाती हूँ थोड़ी सी। जो वेजिटेबल कढ़ाई में अच्छे खासे वेजेस है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वेजेस का जो क्रंचीनेस है ना वो एकदम अच्छे से आपको पता चला। आई लाइक दिस, ये तो नॉर्मल मैं सब जगह खाती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो दिस कि ये क्यूनो सैलड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इसमें कैप्सिकम चिकपीज वगैरह है, ये ट्राई करना था मुझे बहुत टाइम से। प्रेजेंटेशन सारे फूड का कैसा करेगा? 10/10 मैं स्टार्टिंग में बोला फूड प्रेजेंटेशन देख के आपको खाने का मन करेगा। यहाँ से मैंने क्यूनो सैलेड लिया, देखो ये देख के किसको खाने का मन नहीं करेगा। इट इज जस्ट ऑसम एंड थोड़ा सा अभी हम लोग यू नो सैलेड वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इसमें दलिया यूज़ हुआ है मुझे ऐसे लगता है एंड बाकी सारे वही कैप्सिकम वगैरह यूज़ किया, टमाटो, क्यूक्यूम्बर, ये भी अच्छा। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो यू कैन जस्ट ट्राई वंस। एंड ये हमने मंगवाया है कुंग पाओ पोटैटो, ये थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर है। पोटैटो को अच्छे से क्रिस्प किया हुआ है, फ्राई किया हुआ है एंड जब आप खाओगे तो एकदम आपको क्रिस्पी वाला टेस्ट आएगा। थोड़ा सा चाइनीज साइड पर है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब ये खाते वक्त थोड़ा सा ब्लैक पेपर आ गया, बट अदरवाइज इट इज़ द फूड इज़ वेरी नाइस। एंड मोस्टली मैंने आपको सब बता दिया, दाल खिचड़ी वगैरह मतलब ये नॉर्मल है, इसके बारे में मैं नहीं बोल रही, बट कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट अब ये डिनर कंप्लीट करते हैं, डिनर के बाद मोस्टली तो हम सो ही जाएंगे। मोस्टली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया, बट फिर भी जो चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। चलिए अब ये डिनर कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर कंटिन्यू। हाय फ्रेंड्स,
गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। खाने के लिए हम लोग कभी लेट नहीं होते एंड आज थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गए। एंड जैसे अभी इस प्रॉपर्टी की बात करो, फूड की बात करती हूँ, तो फूड काफ़ी अच्छा है। तो मैं ब्रेकफास्ट का ऐसा रिव्यू नहीं दे रही, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लाइव डोसा काउंटर है, फ्रूट्स है, बटाटा वड़ा, मिनी बटाटा वड़ा एंड नॉनवेज में भी कुछ आइटम्स हैं। बाकी ये हमने साउथ इंडियन यानी उपमा एंड मेदू वड़ा, ब्रेड्स है, चाय, टी, कॉफ़ी प्लस हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। एंड फूड इज़ वेरी नाइस। जो भी मेरा लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट अभी स्टार्ट नहीं किया बट आई एम श्योर कि ये भी अच्छा ही होगा। प्लस रूम कैटेगरीज की बात करें तो हम लोग स्वीट रूम में रुके। इसके अलावा आपके पास क्लब रूम, एग्जीक्यूटिव रूम भी है, वो भी काफ़ी नीट, क्लीन, स्पेशियस एंड जो भी रूम में फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे बेस्ट पार्ट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के बाहर ही है, रेलवे स्टेशन के पास ही है आई मीन। एंड जैसे मैंने बताया कि कुछ दूरी पर आपको मार्केट भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ बाय करना है तो वो भी आप मतलब जाकर कुछ भी, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन जस्ट टेक इट आउट। प्लस जो इनका वन डे ऑफर वाला था, आपको अपने लव वंस को सरप्राइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो एंड दैट इज़ ऑल्सो यू नो फुल डेकोरेशन के साथ इन अ गुड प्रॉपर्टी, 4,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड फूड के ऊपर आपका उसका 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। एंड अब बात करते हैं जो मेरा स्वीट रूम है वो मुझे कितने में मिला है इसे। तो बेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे वेबसाइट से मिला है एंड बेस्ट ऑफर मुझे मिला है, दैट इज़ 7,000, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। एंड रूम तो आप लोगों ने देखा है कि कितना स्पेशियस, नीट एंड क्लीन एंड आपको एकदम प्रीमियम वाइब्स मिलेगी उसके अंदर। तो अगर आपको इनका बेस्ट ऑफर चाहिए तो आपको इनका वेबसाइट चेकआउट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ आने के बाद रूम का जो प्राइजेज होगा दैट विल डिफर ऑफकोर्स एंड वेबसाइट में भी ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ द वीकेंड्स, वेकेशन एंड अगर फुली ऑक्यूपाइड है उसके हिसाब से। लेकिन आपको बेस्ट ऑफर चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। मोस्टली मैंने इस प्रॉपर्टी की आपको सारी डिटेल्स दे दी, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो कविक्स वाली सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। टाटा बाय।